बॉलीवुड में के इतिहास में विनोद मेहरा का नाम बेहतरीन एक्टर्स के तौर पर लिया जाता है, लेकिन उनकी मौत काफी कम उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने सिर्फ 45 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। निर्मल पांडे ने कुछ चुनिंदा फिल्में ही काम किया, लेकिन हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उनकी मौत 48 साल की उम्र में हो गई। स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर केवल 10 साल का था, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हिंदी फिल्मों के साथ ही उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया। प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई, तब वो केवल 31 साल की थीं। अमजद खान के जिस किरदार ने उन्हें फेमस किया वो था शोले फिल्म का गब्बर। हालांकि उन्होंने कई अन्य फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की। 27 जुलाई 1992 को 52 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। मैंने प्यार किया से लेकर हम आपके हैं कौन तक सलमान खान और लक्ष्मीकांत बेर्डे की जोड़ी बनी रही। उनकी इन फिल्मों को देखकर आज भी उनकी याद ताज़ा हो जाती है। लक्ष्मीकांत ने साल 2004 में 50 की उम्र में दुनिया से विदा। सुनहरे पर्दे पर अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले संजीव कुमार जिंदगी की जंग बहुत जल्दी हार गए। 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। तरुणी सचदेव अमिताभ बच्चन की फिल्म पा में एक बाल कलाकार के तौर पर नजर आई थी। नेपाल के विमान हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तरुणी को लोग रसना अगरला के नाम से भी जानते हैं। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अदाकाराओं में से एक मधुबाला के सभी कायल थे। उनकी फिल्म मुगल आजम को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने बीमारी में रहते हुए इस फिल्म में एक्टिंग की थी। सिर्फ 36 साल की उम्र में ही मधुबाला ने दुनिया से विदा ले ली। मीना कुमारी को बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। उन्होंने पर्दे पर तो दुख भरे रोल अदा किए ही थे, साथ ही उनकी असल जिंदगी भी दुखों से भरी हुई थी। मीना कुमारी की मौत का कारण अवसाद को बताया जाता है। उनको कमाल अमरोही से पूरी जिंदगी प्यार रहा और अंत में उन्होंने 39 साल की उम्र में 31 मार्च 1972 को अपनी अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक आदेश श्रीवास्तव ने कई बेहतरीन गाने दिए हैं। उनकी आवाज का जादू आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर अपना जादू चलाता है। 51 साल की उम्र में आदेश की मौत कैंसर की वजह से साल 2015 में हुई।